Hi everyone, welcome to Elite Tutorials. We make the best use of this free time by studying in this free time. And if you are not a student of Elite Tutorials and if you want the images of the textbook, call us on 9699-599-299 and we shall email you the images of the textbook. Also, during the lecture, if you find anything difficult and if you have any doubts regarding any topic, mark all the doubts and keep ready. We shall discuss that in the live video lectures of for the doubt solving. Let us start with biology chapter 1, that is transporting plants. Okay. Before going to the chapter, let us first understand that we have already learned in earlier classes. See, there is a very cute plant over here and the name of the plant is Miss Daisy. Now, Miss Daisy is very independent. Why is she very independent? Because she prepares her own food. खुद का खाना खुद बनाती है. किसी और animal पे dependent करती है. Now, what is the advantage of this? Miss Daisy अपना खाना बनाते समय तीन चीजों का use करती है. That is carbon dioxide, water and chlorophyll. ये तीनों चीज. And of course presence of sunlight. ये चारों चीजों के presence में and availability के हिसाब से she can prepare her own food. This process is known as photosynthesis. You have already learned about photosynthesis in your earlier classes. कि कैसे खाना बनता है and जो खाना बनता है that is in the form of glucose. The food is always in the form of glucose. Okay. Now खाना बना तो लेती है Miss Daisy, but Miss Daisy को एक problem है life में. प्रॉब्लम ये है कि खाना बनता है लीफ में. द प्रोडक्शन साइट ऑफ द फूड इज लीफ. खाना बनता लीफ में है तो खाना जाता किधर है? खाना जाता है हर एक पार्ट में. हम खाते मुंह से है बट हमारे पूरे बॉडी पार्ट में जाता है ना खाना. वैसे ही खाना लीफ में बनता है बट खाना हर एक सेल प्लांट के हर एक सेल तक जाना चाहिए. ये जो खाना भेजना है हर एक सेल तक इज अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. To transport, to send food everywhere. Now, while sending food everywhere, it requires a medium. Kitchen से living room ऐसे ही तो नहीं आ जाता ना खाना. खाने को किसी को लाना पड़ता है. वैसे ही हमारे body में भी हम उसे खाते हैं तो food pipe खाने को stomach तक लेके जाता है. Similarly in plants, there is a system which helps. खाना जहाँ भी बने वहाँ से plant के हर एक part तक लेके जाए. Also, this is all about food I am talking. What about the water? See, the part of the plant which is above the ground, ground ke upar, is known as shoot. And the part of the plant which is below the ground is known as root. तो ग्राउंड के ऊपर वाले हिस्से को शूट कहते हैं, ग्राउंड के नीचे वाले हिस्से को रूट कहते हैं. नाउ फूड प्रोडक्शन होता है शूट सिस्टम में एंड वाटर अब्सॉर्प्शन होता है रूट सिस्टम में. रूट्स क्या करते हैं? ग्राउंड से, सॉइल से जितना भी अंडरग्राउंड वाटर है सारा का सारा पानी अब्सॉर्ब कर लेते हैं एंड अब्सॉर्ब करने के बाद प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचाते हैं. इफ यू नोटिस वेरी क्लोजली रूट्स को ना, रूट्स को पानी अपवर्ड डायरेक्शन में भेजना है, दैट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी. और शूट को ऐसा कुछ नहीं है. लीफ तो कहीं भी हो सकती है ना. इफ देयर इज अ ह्यूज कैनोपी वाला ट्री, कैनोपी मतलब द बुशी पार्ट ऑफ द ट्री, तो एक बहुत बड़ा झाड़ है, बहुत बड़े झाड़ में बहुत सारी लीव्स है. वो लीव्स फूड प्रोडक्शन करेगी बाय फोटोसिंथेसिस. हर एक लीफ से हर एक दूसरे प्लांट के पार्ट तक खाना जाएगा, तो ये कोई भी डायरेक्शन में जाएगा ना. सो फूड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एनी डायरेक्शन, बट वाटर का डायरेक्शन क्या है? अपवर्ड डायरेक्शन. व्हाई? बिकॉज़ ओनली सॉइल हैज वाटर, तो वाटर इज ऑलवेज अब्सॉर्ब्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट रूट एंड द शूट सिस्टम. नाउ व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन देन? There's a definition in your book which says transportation is a process by which food and water is transported to the different parts of the plants. Water in the upward direction and food in all the parts of the
प्लांट्स. अब ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो टिश्यू हमें हेल्प करते हैं, दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट दोज टिश्यूज. ओके, मूविंग फर्दर. नाउ ट्रांसपोर्टेशन के लिए वी रिक्वायर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू. टिश्यू क्या होता है? सी, अंडरस्टैंड, सेल्स. अ प्लांट इज मेड अप ऑफ सेल्स. बहुत सारे सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यू. बहुत सेल्स मिलके बनाते हैं टिश्यूज. एंड टिश्यूज परफॉर्म अ पर्टिकुलर अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शन. हियर व्हाट इज द फंक्शन दैट टिश्यू इज परफॉर्मिंग? द फंक्शन इज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. सो वी हैव स्पेशलाइज्ड टिश्यूज इन द प्लांट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड स्पेशलाइज्ड टिश्यू? स्पेशलाइज्ड का मतलब होता है जिसका जो काम है वो वही करेगा. फॉर एग्जाम्पल, आईज आर स्पेशलाइज्ड टू सी. तो आईज देखेगा ही, आईज विल नॉट स्मेल बिकॉज नोज इज बेसिकली हियर ऑब्जेक्टेड टू स्मेल. जिसका जो काम है, स्पेशलाइजेशन है, वो वही करेगा. सिमिलरली हमारे पास दो टिश्यूज है प्लांट्स में जो स्पेशलाइज्ड है. एक टिश्यू स्पेशलाइज्ड है फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड दूसरा टिश्यू स्पेशलाइज्ड है फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड. टिश्यू विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर इज कॉल्ड एज जाइलम. क्या कहते हैं इसे? जाइलम. एंड टिश्यू विच इज ट्रांसपोर्टेड विच इज स्पेशलाइज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग फूड इज कॉल्ड एज फ्लोयम. फ्लोयम फूड. ऐसे याद रखना है, फ्लोयम फूड, जाइलम वाटर. नाउ अलोंग विद वाटर और भी एक चीज है जो ट्रांसपोर्ट हो रही है. वो और एक चीज है मिनरल्स एंड सॉल्ट्स. एक्चुअली सॉइल में ना बहुत अलग अलग टाइप के मिनरल्स है जो प्लांट्स को चाहिए. आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारी चीजें चाहिए ना प्लांट को भी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए. प्लांट के पास है इसीलिए हमारे पास आती है व्हेन वी ईट प्लांट पार्ट्स. एग्जैक्टली. सो दैट इज द रीजन वो मिनरल्स भी अब्सॉर्ब होने चाहिए और अब्सॉर्ब होके प्लांट के हर एक पार्ट तक पहुंचने चाहिए. तो ये कौन करेगा? जाइलम करेगा या फ्लोएम करेगा? ये करेगा जाइलम. क्यों जाइलम करेगा? बिकॉज मिनरल्स को डिसॉल्व होने के लिए वाटर का मीडियम चाहिए. ऑल्सो आई हैव टोल्ड यू दैट मिनरल्स आर प्रेजेंट इन ग्राउंड. तो ग्राउंड से ऊपर की तरफ तो एक ही चीज आ रही है, दैट इज जाइलम. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज जाइलम एंड व्हाट आर द टू मेन फंक्शन. जाइलम ट्रांसपोर्ट्स और कंडक्ट्स वाटर इन द अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट्स टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. एंड फ्लोएम conducts food from leaf to other parts of the plant in any direction. Okay. Now this was all about xylem ka function. Now we will understand ke ye xylem agar itna important hai to uske andar hai kya exactly. Let us start with the structure of xylem. See, the xylem is a tissue as I told you and tissue are made up of many cells. Yahan pe na xylem char type ke cells se bana hua hai. First is tracheids, second is vessels, third is xylem parenchyma, fourth is xylem sclerenchyma, also called as xylem fibers. Okay, ये चार cells हैं. First क्या है? Tracheids. Second vessels. Third parenchyma and fourth fibers. चार cells में से ना सिर्फ एक ही cell है जो living cell है. बाकी सारे dead cells हैं. Dead cells क्या होते हैं? डेड सेल्स हमारे हेयर्स और नेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं. दैट इज द रीजन व्हेन वी ट्रिम और कट आवर नेल्स एंड हेयर वी डू नॉट गेट पेन सेंसेशन बिकॉज दे आर डेड सेल्स. सिमिलरली इन द जाइलम टिश्यू चार सेल्स में से जो एक सेल लिविंग है दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा. बाकी सब डेड सेल्स है. डेड सेल्स है ना इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. स्ट्रॉन्ग है इसीलिए प्लांट का जो वेसल है वो ज्यादा रिजिड है. रिजिड मतलब स्टिफ, एकदम स्ट्रॉन्ग है ताकि वाटर इजीली ट्रांसपोर्ट हो. क्यों, क्या जरूरत है ऐसी? आई टेल यू. सी, हैव यू ऑब्जर्व्ड कोकोनट ट्री? कोकोनट ट्री सेकंड थर्ड फ्लोर तक जाता है. इतना लंबा, इतना टॉल ट्री है. तो ग्राउंड से वाटर कैसे जाता है ऊपर? इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ जाइलम. बीच में जाइलम, ट्री का जो ट्रंक है ना उसके बीच में जाइलम एक स्ट्रॉ की तरह है जो पानी को रूट से एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट भेजता है, कंडक्ट करता है. ओके,
Now, वो conduction में जो चार cells उसे help करते हैं, let us understand. The first one is tracheids. Tracheids have cells and their walls are thick tapering ends. By that, what do you understand? See, they have like this kind of structure. ऐसा कुछ structure. Long tapering ends. Walls are thick tapering ends and they have lateral pores. What are lateral pores? Pores मतलब छेद. अंदर छोटे छोटे छेद है. क्यों है? छेद है so that only useful material could be passed on. Unnecessarily, not useful material should not be passed to different parts. Why am I saying this? Because soil में there are many things present. सारी चीजें रूट से आ तो जाएगी बट प्लांट तक जानी नहीं चाहिए ना, इसलिए बीच में ये पोर्स है जो सिर्फ काम की चीजों को आगे जाने देगा, जो काम का नहीं है उसको पीछे सेटल कर देगा. ओके, सो दैट इज हाउ लेटरल पोर्स वर्क. लेटरल का मतलब है साइड्स. लेटरल का राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेटरल, इट मींस साइड्स. ओके, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रेकल्स? इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट. Why is it providing? Because it is made up of dead cell. It is very strong. Being very strong, ये बहुत अच्छे से mechanical strength और support देता है. And of course, उसका main काम तो क्या है? Upward movement of water and minerals. Now, vessels. Vessels क्या है? Vessels ना एकदम straw के जैसे होते हैं. हमारे पास समझो, we have two glasses of milkshakes. And I have two straws, one in each. एक straw है जो एकदम ही पतली है. पतली आजन उसके बीच में जो डायमीटर है वो एकदम कम है और वॉल्स थिक है. एक स्ट्रॉ है जिसका डायमीटर बड़ा है और उसके वॉल्स थिन है. इफ आई स्टार्ट स्लर्पिंग ऑन बोथ द मिल्कशेक्स टुगेदर, कौन सा मिल्कशेक पहले खत्म होगा? वो जिसके स्ट्रॉ का ल्यूमिन बड़ा है, दैट इज डायमीटर बड़ा है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी में आएगा ना मिल्कशेक उसमें. एग्जैक्टली यहाँ पे वेसल्स में भी कुछ ऐसा ही है. Vessels have a thicker, wider lumen gap and they're connected end to end. मुझे you give me 10-20 straws and what I'll do in my ideal time, मैं सारी straw को एक के ऊपर एक जोड़ दूंगी and then I'll try slurping the milkshake. I hope you also do that. So vessels भी वैसे ही है कुछ. Vessels भी है ना end to end connected है and being end to end connected, what is the advantage? पानी नीचे root से ऊपर आराम से topmost layer तक पहुंच जाता. Vessels have tube-like structures and they open at both the ends. Straw भी तो दोनों साइड पे ओपन होती है ना? And are connected end to end. Main function, mechanical strength and support. They are also made up of dead cells. And all dead cells are very strong. And being strong, they give strength. Okay. They also help with the upward movement of water and minerals. The third one is xylem parenchyma. Parenchyma is a very famous tissue in plants. Why? Because it is present in almost all parts of the plant. Parenchyma na, uska main kaam kya pata hai? Food storage. Parenchyma matlab food storage. Yahan pe bhi wo wahi karega. It is small, thick-walled cells. And the main function is storage of food. See, you have seen a potato. Potato ka jo fleshy part hum jo khate hai actually mein, wo fleshy part is parenchymatous cells. बिकॉज वो प्लांट का फूड स्टोर करके रखता है जो हम लेके खा लेते हैं. नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द टिश्यू इज ज़ाइलम स्क्लेरेन्काइमा और द ज़ाइलम फाइबर्स. ज़ाइलम स्क्लेरेन्काइमा, द वर्ड स्क्लेरेन्काइमा मीन्स डेड. अच्छा, बाय द वे, पैरेन्काइमा वॉज द ओनली लिविंग सेल एज वी डिस्कस अर्ली, तभी तो वो फूड स्टोर कर पाता है ना. ज़ाइलम स्क्लेरेन्काइमा. Sclerenchyma is also a dead cell and it is very hard, very strong. Plus, they are also called as fibers. They are present between tracheids and vessels. Very thin, but thick wall, cell ka wall is very thick. Long and narrow, ekdam patla cells with tapering ends. Aisa hi kuch, but ekdam patla. Iska bhi main function kya hai? Mechanical support. I'll show you one thing. ये हमारी लीफ होती है. लीफ में ये जो लाइन है, ये जो बीच में सेंट्रल लाइन है, ये लाइन में ट्रेकिड्स और वेसल्स आते हैं जाइलम के. द
दैट इज द रीजन लीफ तक भी पानी पहुंचता है. लीफ तक पानी पहुंचाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज ओनली व्हेन लीफ विल रिसीव वाटर इट विल डू फोटोसिंथेसिस. ओके, सो दिस इज वेसल्स एंड ट्रेकेट्स. देन दे हैव दीज लाइंस यू हैव सीन लीफ में. दीज लाइंस आर एक्चुअली स्क्लेरेंकाइमा. स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स. That is the reason, किसी लीव को लेके बुक के बीच में डाल दो और सुखा दो तो लीव का बाकी हिस्सा चला जाएगा बट ये डंडी वाला हिस्सा रह जाएगा. Because sclerenchyma is very strong. Okay, so it basically provides mechanical support. This sums up the structure of the xylem. Now, what are the four cells? Just a quick revision. Tracheids, vessels, xylem parenchyma, xylem fibers. Out of four, which is the one which is the living cell? That is xylem parenchyma. Baki sare ke sare dead cells. Okay. Before this we have discussed transportation occurs by two means, xylem and phloem. Xylem water karta hai, phloem food karta hai. Miss Daisy very independent kyunki khud ka khana khud banati hai by the process called photosynthesis. Okay, this was all about xylem. Now I'll explain you one of the experiments. See, what you do is, एक पानी का बीकर लेंगे. पानी का बीकर होगा ना, उसके अंदर हम रेड कलर की डाई डालेंगे, इंक, लाल कलर की इंक. इंक डालने के बाद what I'll do is, I'll take any flower का stem. समझो मैंने लिया sunflower का stem. Sunflower का stem I'll dip it. Dip करके थोड़ी देर 1 or 2 hours I'll keep in it immersed and after 2 hours मैं निकालती हूँ उसको. निकालने के बाद मैं उसका transverse section लेती हूँ. What is transverse section? ये जो स्टेम होता है ना स्टेम, उसको बीच में से ऐसा काटने का, लाइक क्योंकि ऊपर काकड़ी को कैसे काटते हैं हम सैंडविच के लिए, वैसा काटने का. ऐसा बीच में से काटेंगे, पतला पतला स्लाइस करेंगे एंड देन सी अंडर द सिंपल माइक्रोस्कोप. व्हेन यू सी अंडर द माइक्रोस्कोप यू सी उसके अंदर रेड कलर हो गया है सब कुछ. इट्स अ वेरी कॉमन एक्सपेरिमेंट. ऐसा घर पर भी कभी कुछ किया होगा, क्यूक्यूम्बर को बीट के साथ रख दो क्यूक्यूम्बर रेड हो जाता है. तो यहाँ स्टेम को इंक के पानी में रखा तो स्टेम रेड हो गया. हुआ क्या एग्जैक्टली? हुआ ये दैट स्टेम के अंदर ऐसा कुछ है जिसने नीचे से पूरे स्टेम को तो पानी में इमर्स नहीं किया मैंने, सिर्फ थोड़े से पार्ट को, तो पूरा स्टेम रेड कैसे हो गया? बिकॉज देयर इज समथिंग प्रेजेंट इन द स्टेम जिसने पानी को नीचे से ऊपर लेके गया एंड व्हाइल द पैसेज इज गोइंग ऑन द प्लांट इज नॉट द प्लांट ऑफकोर्स डजंट नो इट इज रेड कलर्ड वाटर. So when we take a slice, we see red coloration in the whole part of the stem. This explains that there is something, and that something is xylem. Xylem transported water, red color ka water, from the lower region to the higher region. That is the reason all the parts, all the stem region got red in color. So this is a very simple experiment by which you can justify that all plants have xylem, all plant stems have xylem which are transporting water in upward direction. Okay, that was an very easy experiment. Okay, now we will understand. I'll give you one fun fact about xylem. Xylem, apart from transporting water and minerals, has other significance as well. I'll tell you. Xylem, xylos, ek Latin shabd hai jiska matlab hota hai wood, very hard lakda, wood. ये जो वुड होता है ना, इफ यू सी लकड़े को अगर बीच में से काटा तो वो रिंग वाला स्ट्रक्चर दिखता है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग्स. हाँ, तो वो जो एकदम उसका अच्छा टेक्सचर है ना, दैट इज बिकॉज ऑफ ज़ाइलम. आई टेल यू हाउ. एक स्ट्रॉ ज़ाइलम वेसल या ज़ाइलम, एक ज़ाइलम जब ओल्ड हो जाता है तो वो फट जाता है, बीच में नया आता है, फटा हुआ साइड में चला जाता है, बीच में नया आ गया. नया वाला जब भी फटेगा वो पीछे आ जाएगा, वापस बीच में नया आएगा. अनियंस के कैसे रिंग्स होते हैं, वैसे ही बहुत सारे रिंग्स बन जाते हैं ज़ाइलम के. दिस इज वेरी हेल्पफुल. हाउ? बिकॉज जो द पीपल, आई टेल यू, यू मस्ट हैव हर्ड, कितने लोग ऐसा बोलते हैं ना, ये झाड़ तो 100 साल पुराना है, 120 ईयर्स ओल्ड, 150 ईयर्स ओल्ड, 200 ईयर्स ओल्ड. हमको कैसे पता? प्लांट का कोई बर्थडे थोड़ी होता है. वी नो बिकॉज वी कैन काउंट द ज़ाइलम रिंग्स. जो ज़ाइलम है ना उसकी रिंग काउंट करके वी कैन एस्टिमेट दैट दिस ट्री इज 10 इयर्स ओल्ड, दिस ट्री इज 30 इयर्स ओल्ड. ऐसा व्हाई? बिकॉज ये जो रिंग होता है इनका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है फॉर्मेशन का. सो ज़ाइलम के अदर देन वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट,
दो और चीजें हैं जो हेल्प करती है. फर्स्ट वो वुड फॉर्म करता है विच इज वेरी हार्ड एंड रिजिड एंड जो टेक्सचर देता है. एंड द लास्ट वन इज इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू काउंट द एनुअल रेन्स, एनुअलर रेन्स. ओके, नाउ फॉर दिस मच पार्ट यू हैव टू प्रैक्टिस द डायग्राम एंड ऑल द टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ डिजाइनर अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. टिल देन कीप लर्निंग अबाउट दिस चैप्टर एंड रीडिंग. इफ यू हैव एनी डाउट्स वी शैल मीट सून. टेक केयर, बाय बाय.